टीवी सीरियल में जब भी कहानी नया मोड़ लेती है तो उसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और साथ ही साथ कई पुराने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एग्जिट होती है और नए किरदारों की एंट्री होती है। अनुपमा सीरियल में पूरे 15 साल का लीप आया है, जी हाँ, और इसी के साथ कहानी ने नए जनरेशन के साथ शुरुआत करने वाली है। तो अब कहानी में ये लीप जो आया है वो क्या क्या बदलाव लेकर आने वाला है और क्या क्या इसमें टर्न्स आने वाले हैं, किस किस नए एक्टर की एंट्री होने वाली है और अनुपमा की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा बदलने वाली है, इस पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। मिड अक्टूबर से अनुपमा में नया ट्विस्ट आने जा रहा है। शो के लेटेस्ट प्रोमो को देखते हुए अंदाजा लगाया गया है कि अब अनुपमा यानी रूपाली गांगुली अपने फैमिली से अलग हो चुकी हैं। उनके बच्चे और बच्चों के भी बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। लीप के बाद अनुपमा में नई एंट्री भी होने वाली है। मदालसा शर्मा और सुधांशु पांडे सहित कई स्टार्स ने शो को छोड़ने के बाद अब नए किरदार के साथ अनुपमा की जिंदगी की कहानी आगे बढ़ने को तैयार है। राजन शाही के इस शो में ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखे शिवम खजूरिया की अब एंट्री हो गई है। शिवम खजूरिया का कैरेक्टर अनुपमा और उसकी बेटी छोटी अन्नू को पास लाने का जरिया बनेगा। साथ ही शिवम खजूरिया यानी कि प्रेम छोटी अनु के लव इंटरेस्ट के रूप में भी नजर आने वाले हैं। लीप के बाद शो की कहानी छोटी अनु और प्रेम उर्फ शिवम की लव स्टोरी के इर्द गिर्द बुनी गई है। अनुपमा की कहानी में जनरेशन लीप के साथ बहुत सारे बदलाव आएंगे और अनुपमा की लाइफ एक बार फिर से उसी मोड़ पर जा पहुंचेगी जहां से उसकी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। एक बार फिर से अनुपमा शाह हाउस की नौकरानी बन जाएगी। परिवार के लोग एक बार फिर से अनुपमा को जलील करना शुरू कर देंगे। हालांकि इस बार अनुपमा के ग्रैंड चिल्ड्रन उसे सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा परिवार के लोगों के तेवर में भी फैंस को काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लीप के बाद अनुपमा में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अब जब सीरियल ने लीप लिया है तो कोई ना कोई वैम्प तो होगा ही, तो अब कहानी को मिलेगी उसकी नई वैम्प। जी हाँ, अनुपमा के होते हुए भी किंजल खुद को शाह हाउस की मालकिन बताएगी। किंजल वैम्प बनकर अनुपमा का जीना हराम करने वाली है। किंजल दावा करेगी कि अनुपमा की हरकतों की वजह से उनका परिवार बर्बाद हुआ है। अनुपमा पूरे परिवार के होने के बाद भी छोटी अनु और अनुज की वो बहुत मिस करेगी। अनुपमा को याद आएगा कि किस तरह से वो छोटी अनु का बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। उसके अलावा पाखी को अपनी बेटी के नखरे उठाने पड़ेंगे। अब तक अनुपमा ने पाखी के खूब नखरे उठाए हैं, तो वो कहते हैं ना कि समय का पहिया ठीक एक जैसा नहीं रहता है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है पाखी के साथ। पाखी अपनी बेटी शानी को सुपर मॉडल बनाने के लिए खूब पापड़ बेलने वाली है। पाखी अपनी बेटी की कॉफी के लिए अनुपमा से झगड़ा करेगी। पाखी की हरकतें किंजल का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा देगी। यही सब कुछ नया ड्रामा हंगामा नए जनरेशन के साथ इस सीरियल में देखने को मिलने वाला है। तो ये थे वो पॉइंट्स जिनके आने से अनुपमा की कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। और ये 15 साल के आए लीप के बाद आपको क्या लगता है, ये कहानी और दिलचस्प होगी या फिर अनुपमा का जो TRP पर नंबर वन में रहने का जो रेस है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।